Good morning, students. So today we will start a new chapter. Its name is Nasruddin's Aim. Okay, this chapter is about Nasruddin, a man, and its aim. Aim means lakshya. Okay, let's start this chapter. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take aim and shoot the arrow." मीन्स एक दिन जो है नसरुद्दीन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है चैटिंग मीन्स बातें कर रहा था. ही बिगिन टू बोस्ट मतलब वो बताने लगा अपने दोस्तों को अपनी मतलब अपनी बारे में बताने लगा कि जो उसकी आर्चरी मतलब तीर धनुषबाजी जो होती है धनुषबाजी की जो स्किल है ठीक है उसमें कोई भी उसको हरा नहीं सकता है कोई भी उसकी स्किल को मैच नहीं कर सकता है. वो एक बो यानी कि तीर को उठाता है धनुष के उस स्ट्रिंग मीन्स तार पे लगाता है और एम देखता है लक्ष्य देखता है और एरो को शूट कर देता है तीर को शूट कर देता है ठीक है. और शूट करने के बाद पुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट और उसके बाद बोलता है कि जो एरो होता है तीर जो होगा वो श्योरली मेरे टारगेट को हिट करता है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोस बो मीन्स धनुष इमीडिएट मतलब सब ये तुरंत सुनने के बाद उसका जो एक फ्रेंड होता है वो तीर और कुछ सॉरी धनुष और कुछ तीर जो है वो उसको ला के देता है. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." उसको नसरुद्दीन को जो धनुष है और तीर देने के बाद वो बोलता है कि ये लो धनुष और तीर. Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." और फिर वो उसको दिखाता है कि ये तुम्हारा टारगेट है ये तुम्हारा लक्ष्य है इसको अपना एम बनाओ अपना मतलब एम बनाइए और फिर उसको शूट करिए ठीक है. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड स्ट्रंग इट एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. नसरुद्दीन क्या है बो को पकड़ता है धनुष को पकड़ता है अपने हाथों में तीर को जो है वो उसमें लगाता है धनुष में और टारगेट की तरफ अपने तीर को मारता है ठीक है. वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट और क्या होता है कि जो तीर होता है वो टारगेट को हिट नहीं करता है. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल और उसकी बजाय तीर टारगेट को हिट करने की बजाय जो तीर होता है वो कहीं पर बीच में गिर जाता है. हा 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 हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग दे सेड हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम. तो सब लोग जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सब हंसने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा एम था क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा लक्ष्य था तीर चलाने का. ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन बोलता है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है. डिफेंडिंग हिमसेल्फ डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को बचाना किसी चीज़ से तो अपने आप को बचाते हुए वो बोलता है दिस वॉज नॉट माई एम इट वॉज आज़ाद्स एम आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा एम नहीं था ये तो आज़ाद का एम था ये तो आज़ाद कैसे तीर चलाता है मैं ये दिखा रहा था आपको. सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो और ये बोलते हुए नसरुद्दीन एक और तीर उठाता है. वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो और फिर से जो है वो अपने तीर को धनुष के अंदर लगाता है टारगेट की तरफ देखता है और एरो को टारगेट की तरफ शूट कर देता है. दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर. अब इस बार क्या होता है एरो जो है वो थोड़ा आगे गिरता है जो पिछली बार से जहाँ पर तीर गिरा था उससे थोड़ा आगे गिरता है ठीक है. एंड बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट बट इस बार भी क्या होता है कि टारगेट को हिट नहीं करता है. दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो और फिर वो उससे बोलते हैं कि एंड ये ऐसे तुम अपने एरो को शूट करते हो अपने तीर को चलाते हो. ऑफकोर्स नॉट आर्ग्यूड नसरुद्दीन और नसरुद्दीन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम वो बोलता है और यह एम भी मेरा नहीं था ठीक है ये तो मैं चीफ गार्ड जो है वो कैसे तीर चलाता है मैं ये आपको दिखा रहा था. नाउ समबडी रिमार्क वेल नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. अब
एक दोस्त उसका बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ कि भाई नेक्स्ट कौन है तुम्हारी लिस्ट में। पहले तो तुमने बोला कि आज़ाद ने तीर चलाया, अब दोबारा बोल रहे हो कि ये चीफ गार्ड्स ने चलाया तीर, कैसे चलाता है वो मैंने तुम्हें दिखाया। अब ये बताओ तुम अगला किसे का नाम बताओगे कि भाई वो क्या चलाता है ये तीर। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, और ये सुनने के बाद जो बाकी के सारे दोस्त हैं वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोलता है। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वो चुपचाप एक और एरो एक और तीर उठाता है। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। और इस बार क्या होता है कि नसरुद्दीन जो है वो लकी यानी कि बहुत भाग्यशाली निकलता है कि उसका एरो जो होता है उसका तीर जो है वो टारगेट पर हिट कर जाता है। ठीक है, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अ गैप इन अमेजमेंट, और सब जो है नसरुद्दीन को देख रहे होते हैं, घूर के देख रहे होते हैं, और उनका मुंह जो है वो खुशी के मारे यानी अचंभे के मारे आश्चर्य के मारे खुला का खुला रह जाता है। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। और किसी के कुछ बोलने से पहले नसरुद्दीन जो है वो थोड़ा लाइक घमंड में होके या थोड़ा लाइक प्राउडी फील करके बोलता है, क्या तुम लोगों ने देखा, यह मेरा एम था। ठीक है, तो ये थी नसरुद्दीन की कहानी कि वो कैसे अपने एम को पूरा करता है या किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को बताता है अपनी बातें। ठीक है, तो अब इसके कुछ नो वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है चैटिंग, चैटिंग मीन्स बातें करना। आर्चरी, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी धनुषबाजी करना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागा होता है, टारगेट लक्ष्य। डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को बचाना। अमेजमेंट मीन्स आश्चर्यजनक। ठीक है, ट्रिम्फेंटली मीन्स प्राउडी फील होगी। ठीक है, एंड दिस इज़ द न्यू वर्ड्स एंड दिस इज़ आवर चैप्टर नसरुद्दीन्स एम। ओके, आपको अब इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट न्यू मोर न्यू वर्ड्स। ओके, मोर डिफिकल्ट वर्ड्स विच यू हैव विच यू डोंट नो द मीनिंग, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। ओके, थैंक यू, बाय बाय।